पूजा करने से भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? कोई नहीं। भारत में सभी को अपने अपने धर्म को मानने और पूजा का अधिकार है, चाहे तरीके अलग अलग हों। कोई अपने घर में बैठकर पूजा करे, इससे कांस्टेबल साहब को बड़ी समस्या हो गई। इतनी कि मारपीट तक कर बैठे। जी हाँ, उन्होंने घर में घुसकर दिव्यांग पति पत्नी की पिटाई कर डाली। बात इतनी थी कि दोनों अपने ही घर में पूजा कर रहे थे और इस पर कांस्टेबल घर में घुसा और एयर पॉल्यूशन का हवाला देते हुए पिटाई शुरू कर डाली। बीच बचाव में आए दंपति की नाबालिग बेटी से भी मारपीट की गई। घटना पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र के शांति प्रिय नगर में मंगलवार देर शाम 7:30 बजे की है। घटना के बाद पीड़ित पति पत्नी के साथ मोहल्ले के लोग भी थाने पहुंचे और कार्यवाही की मांग को लेकर रात 10 बजे तक वहीं बैठे रहे। आखिर मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला शांत हुआ। पीड़ित मोतीराम ने बताया कि वह देर शाम 7:30 बजे घर में पूजा कर रहा था और इस दौरान कांस्टेबल शेर सिंह अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था। पूजा करते हुए देखकर वो रुका और सीधा घर में घुस गया। आते ही कहने लगा कि जोत में नारियल जलाकर एयर पॉल्यूशन कर रहे हो। इस पर आपत्ति जताई तो वो धमकाते हुए कहने लगा कि जानते नहीं मेरा नाम शेर सिंह है, मैं पुलिस वाला हूं। और इसके बाद मोतीराम से मारपीट शुरू कर दी। यह देख मोतीराम की दिव्यांग पत्नी पुष्पा देवी और नाबालिग बेटी बीच बचाव करने आई तो कांस्टेबल ने उनके साथ भी मारपीट की। इनके चिल्लाने में मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर कांस्टेबल बाइक मौके पर ही छोड़कर दोस्त के साथ फरार हो गया। सूचना पर रात को औद्योगिक नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कांस्टेबल की बाइक जब्त कर ली। घटना से नाराज लोग औद्योगिक थाने पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित मोतीराम और उनकी पत्नी पुष्पा दिव्यांग हैं। वे तो अपने घर में थे। नशे में कांस्टेबल ने घर में जबरदस्ती घुसकर इनके साथ मारपीट की है। एसएचओ उदय सिंह ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मौके से उसकी बाइक भी जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी कांस्टेबल पहले पाली में ही रहता था। हाल ही में नए जिले बने ब्यावर में उसका ट्रांसफर हुआ था। बताया जाता है कि पहले भी कई बार कांस्टेबल के खिलाफ शिकायतें आ चुकी हैं और वह नशा करने का भी आदी है।